हेलो एवरीवन, मैं शची अपने चैनल क्रैक केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के साथ क्लास 12th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है कोलराज लॉ और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो अब मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, हमारा आज का टॉपिक है कोलराज लॉ, जो क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलराज लॉ है क्या। स्टूडेंट्स, कोलराज ने क्या किया, उन्होंने अलग अलग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वैल्यू को स्टडी किया और उन्होंने इन वैल्यूज के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती क्या है। स्टूडेंट्स, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल लैम्डा नॉट से। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब आगे डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ने एक डेफिनेट मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लिया है। इसी वैल्यू को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल लैम्डा नॉट से। तो कोलराज ने क्या किया, उन्होंने अलग अलग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, इनकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वैल्यू को स्टडी किया और उन वैल्यूज के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व किए, जिनको कि हम आगे के एग्जांपल से समझ सकते हैं। उन्होंने क्या किया, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के पेयर लिए और वो पेयर इस तरह से सेलेक्ट किए कि उनमें एक आयन कॉमन था, या तो कैटायन कॉमन था या फिर एनायन कॉमन था। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ। हम एक पेयर ले लेते हैं NaCl और KCl। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कॉमन है, NaCl और KCl में आप देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनमें एनायन कॉमन है। इसी तरह से हम ले लेते हैं दूसरा पेयर हो गया हमारा NaBr और KBr। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि एनायन कॉमन है, दोनों ही केसेस में ब्रोमाइड आयन कॉमन है, लेकिन जो कैटायन थे वो हमारे सेम थे। यहाँ पर भी सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और पोटेशियम आयन। अब इसी तरह से हम एक और पेयर ले सकते हैं, ये तीसरा पेयर है, ये है हमारा NaNO3 और KNO3। तो आप इन केसेस में देख रहे हैं कि क्या कॉमन है। यहाँ पर आपने देखा कि कॉमन एनायन था इन दोनों के बीच में, जो पेयर हमने लिया उसके दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स में एनायन कॉमन था। ये तो हो गया पहली कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी हम ऐसे ले सकते हैं जहां पर कैटायन कॉमन हो, इसको भी हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। ये हो गया हमारा NaCl, NaBr। तो यहाँ हमने देखा कैटायन कॉमन था, सोडियम आयन दोनों केस में। इसी तरह से हम दूसरा पेयर ले सकते हैं KCl और KBr। हम एक और ले सकते हैं पेयर, ये हो गया LiCl और LiBr। तो कोलराज ने इस तरह के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को लिया पेयर के फॉर्म में और उन्होंने क्या किया, इनकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू को स्टडी किया और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न उन्होंने पाए। वो पैटर्न थे जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने लिया सोडियम आयन और पोटेशियम आयन वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल लिए थे, हमने कौन से एग्जांपल लिए थे, हमने लिया था NaCl और KCl। इसी तरह से दूसरा पेयर हो गया हमारा NaBr, KBr और तीसरा पेयर हमने अभी देखा था NaNO3 और KNO3। तो कोलराज ने इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है मोलर कंडक्टेंस में, ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस इन तीनों ही केसेस में सेम आया। और ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई 23.4
ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो चाहे सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सोडियम आयन ब्रोमाइड आयन के साथ जुड़ा है और यहाँ पर सोडियम आयन नाइट्रेट आयन के साथ जुड़ा है। किसी तरह से पोटेशियम आयन यहाँ पर क्लोराइड आयन के साथ, दूसरे केस में ब्रोमाइड आयन के साथ और तीसरे केस में नाइट्रेट आयन के साथ जुड़ा है, लेकिन इररेस्पेक्टिव ऑफ द आयन इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कौन से एनायन के साथ जुड़ा है। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की मोलर कंडक्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमेशा आया 23.4 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो पहला तो इन्होंने के इंटरेस्टिंग सा पैटर्न देखा, जिसको हम यहाँ पर इन वैल्यूज के साथ स्टडी कर सकते हैं। इन वैल्यूज के साथ हमको ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, पहले पेयर में जो पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है यह है KCl और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। तो जब इनकी मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस निकाला तो यह आया 23.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी तरह हम आ जाते हैं दूसरे पेयर पर। दूसरे पेयर में भी देखा हमने कि डिफरेंस पोटेशियम ब्रोमाइड और NaBr की जब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का डिफरेंस निकाला, ये भी सेम आया 23.4। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे पेयर पर। तीसरे पेयर में भी जो लैम्डा नॉट हमने निकाला पोटेशियम नाइट्रेट और लैम्डा नॉट सोडियम नाइट्रेट, इनकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जो डिफरेंस था वो भी सेम आया। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है पोटेशियम आयन की इंडिविजुअल मोलर आयोनिक कंडक्टेंस और सोडियम आयन की इंडिविजुअल मोलर आयोनिक कंडक्टेंस की वजह से। तो ये डिफरेंस हमेशा आया 23.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन एंड मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ नाइट्रेट आयन के बीच में डिफरेंस निकाला और ये डिफरेंस उन्होंने देखा कि हमेशा आया 4.9 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि क्लोराइड आयन कौन से कैटायन के साथ जुड़ा है या नाइट्रेट आयन कौन से कैटायन के साथ जुड़ा है। इस पॉइंट को हम इन एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यह है हमारा पहला पेयर। पहले पेयर में KCl और KNO3, तो पोटेशियम आयन तो कॉमन है यहाँ पर। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है मोलर कंडक्टिविटी में, ये आ रहा है मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन एंड मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ नाइट्रेट आयन की वजह से। ये डिफरेंस आया 4.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी तरह से जो दूसरा पेयर है ये है LiCl और LiNO3, यहाँ पर भी कैटायन कॉमन है। तो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन एंड मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ नाइट्रेट आयन, यहाँ पर भी ये डिफरेंस सेम आया। अब जो थर्ड पेयर है यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सेम एनायंस है क्लोराइड आयन और नाइट्रेट आयन और डिफरेंस आ रहा है सेम। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोराइड आयन की मोलर आयोनिक कंडक्टेंस और नाइट्रेट आयन की मोलर आयोनिक कंडक्टेंस का डिफरेंस हमेशा सेम है 4.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि क्लोराइड आयन कौन से आयन के साथ जुड़ा है, चाहे वो पोटेशियम आयन के साथ जुड़ा है, चाहे वो लिथियम आयन के साथ जुड़ा है, चाहे वो सोडियम आयन के साथ जुड़ा है, इसकी मोलर आयोनिक कंडक्टेंस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। इन एग्जांपल्स को समझने के बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन पर आ सकते हैं। ये हमारा कंक्लूजन है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू है, उस वैल्यू में हर एक आयन अपना एक डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन देता है और वो ये नहीं डिपेंड करता है कि वो आयन कौन से दूसरे आयन के साथ जुड़ा है। जैसे कि अगर हम बात करें क्लोराइड आयन चाहे सोडियम आयन के साथ जुड़ा है, चाहे पोटेशियम आयन के साथ जुड़ा है, चाहे लिथियम आयन के साथ जुड़ा है, इसकी मोलर आयोनिक कंडक्टेंस की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। इट डजंट डिपेंड ऑन द अदर आयन। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि हर एक आयन किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू में अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है और इसी डेफिनेट कंट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल लैम्डा नॉट। दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि अगर हम
किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर हम किसी आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय दिस सिंबल लैम्डा नॉट से। तो इतना स्टडी करने के बाद कॉलराश एक कंक्लूजन पर पहुंचे और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो इतना समझने के बाद अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस है क्या। स्टूडेंट्स, कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस हमें बताता है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू जो होती है उसको हम लिख सकते हैं एज द सम ऑफ मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस। जैसे कि हमने बात की NaCl की, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो अब हम समझ सकते हैं आसानी से कि कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या है। यह हमें सीधे साधी भाषा में हम कह सकते हैं, यह हमें बताता है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन। जैसा कि हमने बात की थी अभी अभी, अगर हम बात कर रहे हैं KCl के लिए, तो KCl की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द सम ऑफ मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो जैसा कि अभी अभी हमने आपसे कहा था कि अगर हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब अगर हम एक जनरल स्टेटमेंट लें, हमने यहाँ पर देखा था कि NaCl डिसोसिएट होके देता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। लेकिन अगर हम बात करें MgCl2 की, तो MgCl2 डिसोसिएट होकर दे रहा है एक मैग्नीशियम आयन और दो क्लोराइड आयन। इसी तरह से अगर हम बात करें AlCl3 की, तो AlCl3 डिसोसिएट होकर के दे रहा है एक एल्यूमिनियम आयन और तीन क्लोराइड आयन। या हम बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो एल्यूमिनियम सल्फेट डिसोसिएट होकर के हमें दे रहा है दो एल्यूमिनियम आयन और तीन सल्फेट आयन। तो अगर हम एक जनरल स्टेटमेंट दें कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर के न्यू प्लस कैटायन और न्यू माइनस एनायन दे रहा है, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैम्डा नॉट इज इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा नॉट प्लस प्लस न्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस। कहने का मतलब है यहाँ पर न्यू प्लस और न्यू माइनस क्या है, नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय द इलेक्ट्रोलाइट। जो पॉइंट मैंने आपको समझाया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो अभी पॉइंट्स हमने समझे हैं उनको हम इन एग्जांपल्स की हेल्प से और अच्छे से समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल है लैम्डा नॉट फॉर NaCl। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। इसी तरह से लैम्डा नॉट फॉर KNO3 हो जाएगा मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन और मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ नाइट्रेट आयन के सम के बराबर। अब हम बात करें MgCl2 की, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा नॉट Mg2 प्लस प्लस, यहां पर आप देखिए ये दे रहा है 2 क्लोराइड आयन, तो ये हो जाएगा 2 × लैम्डा नॉट Cl-, इनके सम के बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम सल्फेट की, तो एल्युमिनियम सल्फेट दे रहा है 2 एल्युमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन, तो लैम्डा नॉट फॉर एल्युमिनियम सल्फेट विल बी इक्वल टू 2 × लैम्डा नॉट फॉर एल्युमिनियम आयन Al3+ प्लस 3 × लैम्डा नॉट फॉर
SO4 2 माइनस। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि कॉलराश लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, आपका डाउट तुरंत ही क्लैरिफाई किया जाएगा। आपको मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।